हे एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ऑसम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। हम लोग कवर कर रहे हैं 60 डेज रैपिड रिवीजन सीरीज और आप मेरे साथ पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को इस सीरीज के अंदर कवर अप कर रहे हैं। हम लोग इस सीरीज के 7 लेक्चर्स को ऑलरेडी कम्प्लीट कर चुके हैं। यह है हमारी सीरीज का 8th सेशन, तो हम लोग 8th लेक्चर में हैं। हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, लेट एवरीवन ज्वाइन। सब लोगों को चुनने देते हैं। हेलो हेलो हेलो, आई एम गुड। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग भी बहुत बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, 10th अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है और ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवीजन करना। यहाँ पर जो मैं आप लोगों के साथ रिवीजन करता हूँ, इट्स एन इंटीग्रेटेड रिवीजन जहाँ पर आप लोग मेरे साथ रिवीजन करते हो और स्पेशल क्लासेस में हम लोग MCQ सेशन के थ्रू कवर अप करते हैं। ऑल्दो आज भी आपके जो MCQ सेशन है वो 10:15 PM को नहीं होंगे, बट कल मतलब टुमारो वी विल बी डूइंग MCQ सेशन। कल 1.5 आवर का रेगुलर आपका सेशन होगा, एक थोड़ा सा लंबा सेशन होगा। विल बी ट्राई टू कवर लाइक अराउंड 50 questions, 50 topics देयर। ओके, 10 PM को होगा आपका कल का सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन कल, आज नहीं। इसके साथ साथ गाइज, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के जो प्राइजेस हैं दे विल बी इंक्रीजिंग ऑन 28th of August, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज सून एज पॉसिबल। यू नीड टू यूज़ द डिस्काउंट कोड जो आप लोगों की स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। डिस्काउंट कोड है AMS Live। ओके, आपको इस कोड का करना है इस्तेमाल। अन अकेडमी आपको टेस्ट सीरीज का कॉम्बो भी दे रहा है करंट अन अकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ। इसके साथ साथ अगर आप लोग अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक साल के लिए नहीं, May 2022 तक के लिए वैलिड होगा, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो May 2023 तक के लिए आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड होगा। अगर किसी भी वजह से दो साल का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड यू आर नॉट एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन, जो कि मैं पूरी श्योरिटी से कह सकता हूँ कि अगर आप दिल लगा के करोगे तो यू विल डेफिनेटली क्रैक, वी विल प्रोवाइड यू 1 year एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। ओके, सो लेट्स क्रैक इट। कॉम्बैट आप लोगों के लिए हर संडे को होता है सुबह 11 बजे। वहाँ पर भी जो इन्वाइट कोड है वो आपको सेम यूज़ करना है जो आप लोग अनअकैडमी प्लस पे करते हो। 60 डेज टू गो प्रीलिम्स के हमारे बैच चल रहे हैं। AIR 1 बैच चल रहा है, 1 year बैचेस चल रहे हैं जहाँ पर आप लोग मेरे साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर अप कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। हेलो, हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन। हेलो, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के सेशन के साथ। सो हम लोगों ने जो पिछले सेशंस हैं उनमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए थे। जैसे हम लोगों ने चाइना का ब्यूडियो कवर कर लिया था, यहाँ पर हम लोगों ने जियो सिंक्रोनस और बाकी सारी जो सैटेलाइट्स हैं उनको ऑलरेडी कवर अप कर लिया था। हम लोगों ने ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस के बारे में कवर अप किया था। आई टोल्ड यू अबाउट ब्लैक रेन, है ना, जो बॉम्बिंग हुई थी हिरोशिमा नागासाकी, वहाँ से कैसे रिलेट करता है। ज्योग्राफी इन न्यूज़ में हम लोगों ने अगति आइलैंड के बारे में कवर अप किया था, जो कि मैंने आपको बताया था वेस्ट ऑफ कवरती पढ़ते हैं। हम लोगों ने लोकमान्य तिलक जी के बारे में कवर अप किया था, उनके बारे में सारी डिटेल्स हम लोगों ने डिस्कशन में ली थी। वी डिस्कस्ड अबाउट द ईविन इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। मैंने आपको बताया था कि ईविन एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड सिस्टम है जिसकी मदद से हम लोग वैक्सीन के स्टॉक्स को मॉनिटर कर सकते हैं। वैक्सीन के जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर कितना कोल्ड चेन के अंदर टेम्परेचर है उस चीज़ को भी मॉनिटर कर सकते हैं। वी कवर्ड अबाउट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हम लोगों ने विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में कवर किया था। हम लोगों ने फैट सोल्यूबल विटामिंस के बारे में भी कवर किया था। हम लोगों ने ढोल कंजर्वेशन के बारे में कवर अप किया था। हम लोगों ने केरला के अंदर जो पुकली राइस इंट्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है, उसके बारे में कवर अप, केरला की पोकली राइस जो वेस्ट बंगाल में इंट्रोड्यूस की जा रही है एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, उसके बारे में कवर अप किया था। हम लोगों ने पोकली राइस की जो इम्पोर्टेंस है उसको देखा था।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने कवर अप किया था, दैट वाज ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। फिर से ऑन अ रिवीजन बेसिस आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि 3 साइट्स हैं हमारे देश में जिनको ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के रूप में हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, जैसे पंपोर सैफ्रॉन हेरिटेज ऑफ कश्मीर, कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑफ ओडिशा एंड कुटनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम जो कि केरला से बिलोंग करता है। हम लोगों ने अभिनंदनाथ टैगोर जी के बारे में कवर अप किया था, हम लोगों ने वोल्केनोस के बारे में कवर अप किया था वीनस के ऊपर, हम लोगों ने लोया जिरगा के बारे में कवर अप किया था जो कि ग्रैंड असेंबली है अफगानिस्तान की, हम लोगों ने फुल क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो कवर अप करी थी, क्रिप्स मिशन के बारे में कवर अप किया था, वी कवर्ड अबाउट दी सन स्पॉट्स। सो पिछले सेशन में हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में कवर अप किया था विद सीड बॉम्ब्स, ओके ये हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। चलिए हम लोगों का जो आज का पहला टॉपिक होने वाला है दैट इज आर नेशनल फ्लैग, क्या है हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में। सो इंडिया ने करेंटली अपना 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्टेड नेशनल फ्लैग ऑल्सो। तो नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए प्रिलिम्स रिलेवेंट हो जाती हैं। करेंटली जो हमारा ट्राइकलर है उसका डिज़ाइन दिया है पिंगली वेंकैया जी ने, जो कि एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने सबसे पहले एक बेसिक डिज़ाइन प्रपोज किया था जिसके अंदर 2 रेड और ग्रीन बैंड्स थे जो कि सिंबलाइज करते थे 2 मेजर कम्युनिटीज़ को, हिंदूज को और मुस्लिम्स को। महात्मा गांधी जी लगातार शुरू से ही ये चीज़ सजेस्ट कर रहे थे कि इसके अंदर वाइट कलर का बैंड भी जोड़ा जाए जो कि बेसिकली पीस को रिप्रेजेंट करे और भारत के अंदर जो बाकी अन्य कम्युनिटीज़ हैं उनको भी रिप्रेजेंट किया जाए। पिंगली जी पास्ड अवे इन 1963 और उनके नाम से और उनको याद करते हुए एक पोस्टेज स्टैम्प 2009 के अंदर रिलीज भी किया गया था। इन 2014 हिज नेम वॉज ऑल्सो प्रपोज्ड फॉर भारत रत्न, बट उनको भारत रत्न नहीं मिला। 1906 में हम लोग अब इंडियन नेशनल फ्लैग के कुछ हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। 1906 में हमारा जो फर्स्ट नेशनल फ्लैग है उसको होस्ट किया गया था। ऑन 7th of August 1906 कोलकाता के अंदर पारसी बागान स्क्वायर में, जिसके अंदर 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स थी रेड कलर की, येलो कलर की और ग्रीन कलर की, और उसके ऊपर लिखा हुआ था वंदे मातरम। जो रेड स्ट्रिप थी उसके ऊपर सन और मून बने हुए थे और जो ग्रीन स्ट्रिप थी उसके ऊपर 8 हाफ ओपन लोटसेस बने हुए थे। 1907 के अंदर 1907 के अंदर मैडम कामा जी ने और उनके ग्रुप ने जब एक्साइल लिया रिवोल्यूशनरीज के साथ, उन्होंने जर्मनी के अंदर इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था। यह पहली बार था जब किसी फॉरेन लैंड के ऊपर इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया था, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम। 1917 के अंदर जब होम रूल लीग बनी, एक तो एनी बेसेंट ने बनाई थी और लोकमान्य तिलक जी ने बनाई थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने बनाई थी, उस समय नया फ्लैग अडॉप्ट किया गया था जिसके अंदर 5 अल्टरनेट रेड और 4 ग्रीन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स थी और 7 स्टार्स इन दी सप्तऋषि कॉन्फिगरेशन, 7 सितारे थे सप्तऋषि कॉन्फिगरेशन में। 1931 में कांग्रेस कमेटी मिली थी कराची के अंदर, जहां पर ट्राई कलर को अडॉप्ट किया गया और वही समय था जब रेड कलर को सैफ्रन के साथ रिप्लेस किया गया। ऑल दो हमारे देश का जो नेशनल फ्लैग है वो किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है, एनी ऑफ द कलर इन आर नेशनल फ्लैग डज नॉट रिप्रेजेंट एनी ऑफ द रिलीजन। जो सैफ्रन है वो हमें स्ट्रेंथ और करेज के बारे में बताता है, स्ट्रेंथ एंड करेज। वाइट हमें पीस और ट्रुथ के बारे में बताता है और ग्रीन हमें फर्टिलिटी, ग्रोथ और ऑस्पिशियसनेस ऑफ आर लैंड के बारे में बताता है। क्लियर, क्लियर एवरीवन? तो सैफ्रन है वो हमें स्ट्रेंथ और करेज के बारे में बताता है। सैफ्रन टेल्स अस अबाउट द स्ट्रेंथ एंड करेज, व्हाइट टेल्स अस अबाउट द पीस एंड ट्रुथ, एंड ग्रीन टेल्स अस अबाउट द फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस। जो हमारा अशोक चक्र है, इट हैव 24 स्पोक्स, आर अशोक चक्र हैव 24 स्पोक्स, रिप्लेस द स्पिनिंग व्हील एज द एम्बलम इन आर नेशनल फ्लैग। मेनली
टू शो दैट देयर इज लाइफ इन मूवमेंट एंड डेथ इन स्टैग्नेशन. देयर इज लाइफ इन मूवमेंट एंड डेथ इन स्टैग्नेशन. हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए विद अ लेंथ टू विड्थ रेशियो ऑफ 3:2. नाउ गाइस दिस इज फिक्स्ड. अगर इस लेंथ को कोई भी अगर अवॉइड करता है या कोई गलत बनाता है तो उसको पनिश भी किया जा सकता है. कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एस्पेक्ट देखो. 22 July 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग ओके फाइनली अडॉप्ट किया गया था. नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया शैल बी हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर डीप सैफ्रन व्हाइट एंड डार्क ग्रीन इन इक्वल प्रपोर्शन विद अ ब्लू नेवी ब्लू व्हील जो कि सारनाथ लायन कैपिटल अशोक का जो सारनाथ लायन कैपिटल है उस पर बना हुआ है. ठीक है. जो एडहॉक कमिटी बनाई गई थी नेशनल फ्लैग को लेकर उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हेड किया था. पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मेंशन करता है. एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियाज इंस्टीट्यूशन नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. अगर कोई भी इंसल्ट करता है हमारे किसी भी नेशनल फ्लैग को या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को या नेशनल एम्बलम को तो उसको नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 के अंदर रजिस्टर भी किया जा सकता है. क्लियर क्लियर एवरीवन. चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट फ्लाई ऐश. हमारा अगला टॉपिक है फ्लाई ऐश. एनटीपीसी ने डेवलप किया एक इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट फ्लाई ऐश फ्रॉम पावर प्लांट्स इन बल्क टू सीमेंट प्लांट्स. देखो हम लोग क्या कह रहे हैं करेंटली कि फ्लाई ऐश का इस्तेमाल हम लोग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर करेंगे. हम लोग फ्लाई ऐश का इस्तेमाल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर करेंगे. ठीक है. अब इससे दो फायदे होंगे. एक, फ्लाई ऐश का यूज हो पा रहा है जो कि हमारे किसी काम के नहीं है एंड इट कैन कॉज लाइक पॉल्यूशन. और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में उसका इस्तेमाल हो पाएगा और ये बहुत ही चीपर अल्टरनेटिव के रूप में सामने आएगा. पहला सवाल आता है व्हाट इज फ्लाई ऐश. फ्लाई ऐश के ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है. फ्लाई ऐश बाय प्रोडक्ट है जब कोल को बर्न किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग प्लांट्स के अंदर तो उस समय पर यह फ्लाई ऐश निकलती है. ठीक है. बेसिकली दो तरीके की ऐशेस निकलती है. एक होती है ग्राउंड ऐश जो कि हल्की भारी होती है नीचे ही रह जाती है. एक होती है फ्लाई ऐश जो कि आपको चिमनी से ऊपर उड़ती हुई नजर आती है. दैट इज व्हाट दैट इज फ्लाई ऐश. तो फ्लाई ऐश इज अ बाय प्रोडक्ट फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल. इसलिए इसको फ्लाई ऐश कहते हैं बिकॉज इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कंबशन चैम्बर्स बाय एग्जॉस्ट गैसेस. इसको कलेक्ट किया जाता है एग्जॉस्ट की मदद से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स और बैग फिल्टर्स की मदद से. फ्लाई ऐश के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. इसके अंदर होती है सिलिकन डाइऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड. क्लियर. ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं फ्लाई ऐश के अंदर. चलिए प्रॉपर्टीज. फ्लाई ऐश बिल्कुल सीमेंट्स के साथ जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है उससे रिजेंबल करती है ऑल्दो केमिकली डिफरेंट होती है. पोर्टलैंड सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल होता है जो कि ग्राउंड पाउडर की तरह यूज़ होता है बर्निंग ग्राइंडिंग लाइमस्टोन और क्ले के करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. तो क्योंकि ये फ्लाई ऐश डायरेक्टली पोर्टलैंड सीमेंट जैसे को रिसेंबल करती हैं इसके जैसा ही हैं तो इसलिए इसका इस्तेमाल कंक्रीट सीमेंट रोड बेस मेटल रिकवरी मिनरल फिल्टर जैसे प्रोडक्ट्स के अंदर किया जा सकता है. अगर फ्लाई ऐश को ऐसे हम लोग मान लो इस्तेमाल नहीं करते और इनको ऐसे ही हवा में छोड़ दिया जाता है उस समय पर दे आर वेरी टॉक्सिक. आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं. दे पल्यूट एयर दे पल्यूट आर ओशंस दे पल्यूट आर सॉइल सिस्टम ऑल्सो. ठीक है. तो एनटीपीसी ने इसका एक नया तरीका निकाला है जिससे इसको 100% यूज़ किया जा सके. मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक गाइस व्हाट इज एनटीपीसी. जनरली आपको पता होना चाहिए एनटीपीसी इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग
मिनिस्ट्री ऑफ पार्क के अंदर ये वर्क करती है। इट्स अ महारत्न कंपनी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। चलिए, बद्भुत प्रोजेक्ट। गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली बद्भुत प्रोजेक्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको अवार्ड कर दिया। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ काफी सारे प्रोटेस्ट हुए, जो कि लोकल फिशरमैन ने किए, लोकल लोगों ने किए। जो हमारी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी है उसने अप्रूव कर दिया था इस प्रोजेक्ट। हमारे लिए इस प्रोजेक्ट के बारे में जो आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है जानना इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी के ऊपर है यह बद्भुत प्रोजेक्ट। इट इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर नर्मदा, 5 किलोमीटर फ्रॉम द बद्भुत विलेज, 25 किलोमीटर फ्रॉम द माउथ ऑफ रिवर वेयर इट फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ खंभात। जो प्रोजेक्ट है वो कल्पसार प्रोजेक्ट का पार्ट है, जिसमें 30 किलोमीटर का डैम हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं गल्फ ऑफ खंभात में। मेन मकसद ये है गुजरात की 25% एवरेज एनुअल सरफेस वाटर रिसोर्स को स्टोर करना, पानी को स्टोर करना, रिजर्वेयर बनाया जा रहा है। ठीक है, मेन पर्पस ये है कि जो सेलिनिटी अंदर एंटर कर जाती है गुजरात के अंदर फ्रॉम द गल्फ ऑफ खंभात उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, जो सॉल्ट वाटर इन्वेड कर जाता है मेन गुजरात के एरिया में उसको प्रोटेक्ट करना, सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर्स ही यहां पर इन्वेड करें। ड्यू टू द रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ फ्रेश वाटर, जो सेलाइन वाटर है वो यहां पर नर्मदा एस्चुरी को भी बर्बाद कर रहा है। इसकी वजह से एनिमल्स को भी प्रॉब्लम हो रही है, ह्यूमंस को भी प्रॉब्लम्स हो रही है और वहां पे फिशरमैन को भी प्रॉब्लम हो रही है। वी नीड टू स्टॉप द एक्सेस वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द सरदार सरोवर डैम। तो ये टैप करेगा एक्सेस वाटर ऑफ नर्मदा, माही सागर और साबरमती रिवर इन दिस पर्टिकुलर रिजर्वेयर। याद रखना बद्भुत प्रोजेक्ट कहां पर है, गुजरात में है, नर्मदा नदी के ऊपर है बद्भुत प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक, स्पेशल ऑपरेशंस, स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाय आरबीआई। आरबीआई ने नए नए ऑपरेशंस आरबीआई लॉन्च करती रहती हैं, जिनमें से ओपन मार्केट ऑपरेशन एक है। और यहां पर आरबीआई ने लॉन्च किया था ऑपरेशन ट्विस्ट। अभी ऑपरेशन ट्विस्ट इसका नाम क्यों आया, बिकॉज ये सिमिलर नाम का प्रोजेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फेडरल रिजर्व मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन के अंदर चलाया जाता है। सेम इसके अंदर क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लेते हैं, जो कि खासकर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। तो इसमें सिंपली जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर क्या करते हैं, जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज हैं उनको आरबीआई परचेज कर लेती है, जो आरबीआई ने पब्लिश की हुई है ऑलरेडी, और आरबीआई उसी अमाउंट की शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को बेच देती है, मतलब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को सेल कर देती है। अब इससे होता क्या है, इससे फायदा क्या होगा, ये हमारे लिए मेन चीज है। तो ऑपरेशन ट्विस्ट में आपको बस इतना समझना है सबसे पहले तो, कि एक तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन का पार्ट है। नाउ व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, व्हाट इज ओएमओ जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओएमओ का सिंपल मतलब है कि यहां पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको या तो सेल किया जा रहा है या परचेज किया जा रहा है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन का इस्तेमाल भी हम लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के रूप में करते हैं, जिससे हम लोग लिक्विडिटी को रिकैलिब्रेट कर सकें, हम लोग हमारी लिक्विडिटी को रीएडजस्ट कर सकें, यही हमारा मेन मकसद रहता है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट पॉलिसी। ऑपरेशन ट्विस्ट यूएसए से आया है नाम, यूएसए के अंदर परचेज और सेल की जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मेन मकसद क्या है, टू बूस्ट इकोनॉमी बाय ब्रिंगिंग डाउन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। जब लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय कर लेंगे तो उसके इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली घट जाएंगे। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन हम लोगों ने समझ लिया कि व्हाट इज ओएमओ, व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। आई टोल्ड यू कि यहाँ पर इट इज मेनली टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इंडियन इकोनॉमी। क्या होता है इसके अंदर, सेल एंड परचेज होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। ये एक तरीके का क्वांटिटेटिव टूल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसीज का, जिससे लिक्विडिटी और बेहतर बनाई जा सके।
क्वालिटेटिव टूल्स मेनली कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट या ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वालिटेटिव रूल जो पॉलिसी टूल्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, जैसे मोरल सुबेशन, ठीक है, जो कि इनडायरेक्टली मनी मार्केट को इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आरबीआई ने क्या बोला, आरबीआई यहाँ पर रेपो ऑपरेशन कंडक्ट करेगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फंड्स, बैंक्स हैड अवेल्ड फंड्स लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस के अंदर, लॉन्ग टर्म वाले परचेज कर लेंगे, शॉर्ट टर्म वाले बेच देंगे, वेरी सिंपल, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, इससे आपका काम हो जाएगा प्रीलिम्स का। नाउ मूविंग ऑन, अफ्रीकन बाओबाब ट्री रिसेंटली स्टडी हुई पिछले साल के सितंबर महीने के अंदर। पिछले साल सितंबर महीने में हम लोग आ गए, पिछले साल सितंबर महीने के अंदर अफ्रीकन बाओबाब ट्री के पास 168 क्रोमोसोम्स हैं, इसके बारे में स्टडी की गई, रिसेंट स्टडी ने बताया। और अब अफ्रीकन बाओबाब को प्रोटेक्ट करने की और भी ज़्यादा कंजर्वेशन एफर्ट्स बढ़ गए हैं, ठीक है, और भी हम लोगों ने एफर्ट्स बढ़ा दिए हैं जिससे हम इन ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें। अब ये किस तरीके के ट्रीज़ हैं वो आपके लिए एग्जाम रिलेवेंट है। दीज आर डेसीडुअस ट्रीज। डेसीडुअस फॉरेस्ट वो उस तरीके की वेजिटेशन होती है जहाँ पर वो अपने ट्रीज को किसी एक सीजन में शेड कर देते हैं, अपनी पत्ते गिरा देते हैं, ना एवरग्रीन में हमेशा रहते हैं, ठीक है, हमेशा क्या करते हैं, गिरा देते हैं अपने, किसी भी सीजन में पत्ते गिरा देते हैं। जो अफ्रीकन बाओबाब है, इट इज वन ऑफ द 9 स्पीसीज ऑफ बाओबाब जो कि नेटिव है मेनलैंड अफ्रीका की, ऑल्दो अफ्रीकन सवाना में भी ये पाए जाते हैं। अफ्रीकन सवाना वो इकोसिस्टम है जो कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और यहाँ पर जो हमारे सहारा डेजर्ट है उसके बीच में पड़ता है, ठीक है। ये ओल्डेस्ट नोन एंजियोस्पर्म ट्री है, कार्बन 14 डेटिंग की मदद से हम लोगों ने इस चीज़ को पहचाना है। जो अफ्रीकन बाओबाब है इट इज़ अ सक्यूलेंट, इसका मतलब ये है दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन इट एब्जॉर्ब्स एंड स्टोर वाटर इन इट ट्रंक। आप देख सकते हो इनकी जो ट्रंक है वो इतनी बड़ी क्यों है, इतनी बड़ी इन अफ्रीकन बाओबाब की ट्रंक क्यों है, क्यों ये बीच से इतना मोटे होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, रेनी सीजन के अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं, रेनी सीजन के अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, इसीलिए होते हैं ये ऐसे। बाओबाब ट्रीज लिव मोर देन 1000 ईयर्स, 1000 साल तक की इनकी लाइफ टर्म होता है, लाइफ होती है। और 2005 से 9 ऑफ 13 ओल्डेस्ट बाओबाब स्पेसिमेन एंड 5 ऑफ द लार्जेस्ट 6 ट्रीज हैव डाइड सफरिंग फ्रॉम कोलैप्स एंड डेथ ऑफ देयर लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट स्टेम। और ये बताया जा रहा है ये कारण रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। नाउ व्हाट आर एंजियोस्पर्म, मैंने यहाँ पे बताया दे आर दी पीछे हम लोगों ने देखा था ना, They are the oldest known angiosperm. ये वाली लाइन, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपसे angiosperm के बारे में पूछा जा सकता है। तो what are angiosperms? Angiosperms वो टेक्सोनॉमिक क्लास है प्लांट्स की जिसके अंदर मैच्योर सीड होती है जो कि ओव्यूल द्वारा कवर्ड होती है, जैसे आप एप्पल देखते हो, सिमिलरली so angiosperms are trees that have broad leaves, usually they change their color, they die in autumn, oaks, maple, dogwood, they are some of the example of deciduous trees, है ना, ये कुछ examples हैं। angiosperms के साथ gymnosperms भी होते हैं, gymnosperms कौन होते हैं, gymnosperms वो plants होते हैं जिनकी seeds are not enclosed in the ovule, जैसे pine cone, ठीक है, they have a naked seed, ओके। कार्बन 14 की मदद से इसकी हम लोगों ने इसके बारे में जानकारी हासिल करी, कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड है जिसमें जिसकी मदद से हम लोग उम्र पहचान लेते हैं। कार्बन 14 इज कंटिन्यूअली फॉर्म्ड इन नेचर बाय द इंट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स विद नाइट्रोजन 14 इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर,
The neutrons required for this reaction are produced by cosmic rays interacting with the atmosphere. इसकी मदद से हम लोग ये पहचान पाते हैं कि उसको कितना टाइम हुआ है. क्लियर. मूविंग ऑन. एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू टू बी पेड इन 10 years. AGR को लेकर लगातार न्यूज़ में चीज़ें आती जा रही हैं. मैंने आपको AGR से रिलेटेड एक MCQ भी कल के सेशन में ऑलरेडी कवर अप करा दिया था. आई हैव ऑलरेडी कवर्ड एन MCQ रिगार्डिंग दी AGR. एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू, इसको बोलते हैं हम लोग AGR, एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू. चलिए AGR कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से कि व्हाट इज AGR. इट इज अ फी शेयरिंग mechanism. क्या है फी शेयरिंग mechanism? जो कि टेलीकॉम कंपनीज और सरकार के बीच में चीज़ें कैसे शेयर हो रही हैं वो AGR की मदद से बताई जाती है. इट्स अ फी शेयरिंग mechanism. इट्स अ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल. पहले हम लोग फिक्स्ड लाइसेंसिंग फी मॉडल की तरफ से इस्तेमाल करते थे. जो टेलीकॉम कंपनियां थी वो फिक्स्ड लाइसेंसिंग फी भरती थी भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम. 1999 में हम लोग एक नया मॉडल लेकर आए, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, कि आप जितनी कमाई कर रहे हो आप उस कमाई को डिवाइड करोगे. यू विल डिवाइड दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू. और टेलीकॉम कंपनीज को जो परसेंटेज है AGR का उसको डिवाइड करना पड़ता है भारत सरकार के साथ. ठीक है. सो व्हाट इज AGR? चलिए मैं आपको यहीं पर बताता हूँ. What is AGR? Screen, black screen. चलिए AGR, Adjusted Gross Revenue. Basically इसके अंदर हम लोग दो तरीके के चार्जेस को कैलकुलेट करते हैं. एक है SUC, the Spectrum Usage चार्ज, ये एक होता है. और दूसरा है लाइसेंसिंग फीस. तो AGR के अंदर एक तो SUC आ गया, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज आ गया, और दूसरा लाइसेंसिंग फीस आ गया. स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज और लाइसेंसिंग फीस, इन दोनों की अलग अलग परसेंटेज भारत सरकार लेती है. लगभग 3-5% SUC का भारत सरकार लेती है और लाइसेंसिंग फी का 8% यहां पर भारत सरकार लेती है. अब प्रॉब्लम यह है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी तक जो सिर्फ कोर टेलीकॉम ऑपरेशंस हैं उनसे आने वाले रेवेन्यू को AGR के अंदर इंक्लूड किया जाए. अभी तक सुप्रीम कोर्ट यह कह रही. बट इन 2019 सुप्रीम कोर्ट इन अ केस इंटरप्रिटेटेड कि नहीं, जो नॉन कोर टेलीकॉम ऑपरेशंस होंगे उनसे भी जो रेवेन्यू आ रहे हैं वो भी इंक्लूड किए जाएंगे AGR के अंदर. तो इसकी मदद से होगा क्या, भारत सरकार के पैसे बढ़े, भारत सरकार को अब ज्यादा पैसे मिलने लगेंगे. पहले सिर्फ और सिर्फ को टेक्निकल ऑपरेशन के मिलते थे, अब नॉन को टेक्निकल ऑपरेशन के भी यहां पर पैसे भारत सरकार को मिलने लगेंगे. वेरी सिंपल. यही हुआ AGR के, यही हुआ. तो अब हुआ क्या, जनरली टेलीकॉम सेक्टर को लिबरलाइज किया गया था नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी के अंदर. पहले फिक्स लाइसेंसिंग फी होती थी तो लाइसेंस राज को हमें हटाना था. 1991 के अंदर हम लोग लिबरलाइजेशन मॉडल की तरफ आगे बढ़े और यहां पर फिर हम लोगों ने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके अंदर एनुअल लाइसेंसिंग फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज सरकार ने अप्लाई किए. लाइसेंसिंग एग्रीमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और टेलीकॉम कंपनीज के बीच में होने लगे. अब AGR की डेफिनेशन पिछले 14 साल से इसी लिटिगेशन में थी कि इसके अंदर कोर ऑपरेशन आएंगे या नॉन कोर ऑपरेशन आएंगे, दोनों आएंगे या दोनों नहीं आएंगे, ये कैसे इंटरप्रेट किया जाए. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बोला कि जितने भी रिवेन्यू होगा वो सब इंक्लूड होगा, क्योंकि एक टेलीकॉम कंपनी अपनी जितनी भी कमाई कर रही है वो टेलीकॉम पर्पस और टेलीकॉम से रिलेटेड एक्टिविटीज की मदद से ही कर रही है.
इन सब चीज़ों से रिलेटेड 2015 के अंदर टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपेलेट ट्राइब्यूनल के अंदर केस गया। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया डेफिनेशन ऑफ AGR जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्युनिकेशन कहता था। तो AGR के अंदर गवर्नमेंट कहती है आपकी रेंटल रिसिप्ट, आपकी डिविडेंड इनकम, आपकी इनकम किसी भी एक्टिविटी से जो कि आप टेलीकॉम लाइसेंस से कमा रहे हो, उन सब चीज़ों से अपनाई जाएंगी, ठीक है। और सिर्फ 10 साल का समय दिया गया कंपनियों को कि आप अपना AGR जल्द से जल्द पे कर दो। तो ये पूरा किस्सा है AGR का, और AGR इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मूविंग ऑन, हम लोग अब अपने अगले टॉपिक मिशन कर्म योगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब बीइंग अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, मिशन कर्म योगी इज लाइक सुप्रीम इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिशन कर्म योगी, ठीक है। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली मिशन कर्म योगी को अप्रूव किया, जिसका पूरा नाम है द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। पोस्ट रिक्रूटमेंट रिफॉर्म है ये, मतलब जब आप लोग रिक्रूट हो जाओगे, एग्जामिनेशन पार कर लोगे, उसके बाद जो प्रोसेस है उसके अंदर बड़ा रिफॉर्म लेकर आने की कोशिश करें। सबसे बड़ा रिफॉर्म क्या है कि रूल बेस्ड मैकेनिज्म से एक रोल बेस्ड मॉडल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एक रूल बेस्ड मैकेनिज्म से एक रोल बेस्ड मॉडल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है मिशन कर्म योगी के अंदर, यही मेन मकसद है। मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि हमारे जो सिविल सर्विसेज के अंदर जो भी फ्यूचर लीडर्स आए, दे शुड हैव अ राइट एटीट्यूड, दे शुड हैव राइट स्किल, दे शुड हैव राइट नॉलेज, एंड दे शुड बी अलाइन टूवर्ड्स द विजन ऑफ न्यू इंडिया। इंडियन सिविल सर्वेंट्स को ज़्यादा क्रिएटिव, ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव, ज़्यादा इमेजिनेटिव, प्रोएक्टिव, इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव, एनर्जेटिक और टेक्नोलॉजी अनेबल्ड बनाने की कोशिश है। ये कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म है जो कि हमारे देश को और भी ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। एट प्रेजेंट हमारी ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी सारी कमियाँ हैं, खासकर वो रूल ओरिएंटेड है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा है, एंड प्रमोशंस के अंदर इनएफिशिएंसी है। जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो लगातार चलता है। तो सिविल सर्विसेज के अंदर ये एक बड़ा रिफॉर्म लेकर आने की कोशिश की गई है, जिससे जो सिविल सर्विसेज है वो अपना रोल अच्छी तरीके से निभा पाए एज अ सर्विसेज दैट प्रोवाइड्स वेलफेयर फॉर द पीपल, दैट वर्क फॉर द वेलफेयर फॉर द पीपल, एंड दैट परफॉर्म कोर गवर्नेंस फंक्शन। तो इसके अंदर एक आई गॉट कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जिसकी मदद से क्या करेंगे, पूरी दुनिया में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिविल सर्विसेज प्रैक्टिसेज हैं उनको हम लोग लेकर आएंगे। दिस प्लेटफॉर्म विल बिकम अ लॉन्च पैड फॉर नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कवर करेगी हर एक लेवल पर। इसके लिए 510 करोड़ रुपीज प्रोवाइड किए जाएंगे 5 ईयर्स के पीरियड के लिए। रूल बेस्ड से रोल बेस्ड मॉडल में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे प्राइवेट HR होते हैं ना, उसकी तरीके से सरकार बिहेव करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, जिससे और भी ज़्यादा बेहतर फंक्शनल और बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज हमारे सामने आए। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे लोगों को इंटीग्रेशन का मौका मिलेगा ना। अब इस इनिशिएटिव के अगर गवर्नेंस स्ट्रक्चर में आओगे तो इसमें सबसे पहले आपको मिलेगी ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल HRC, जो NPC-CSB है, SSB है बेसिकली, जिसको मिशन कर्मयोगी बोलते हैं। इट विल बी गवर्न्ड बाय प्राइम मिनिस्टर्स ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और एक्सपर्ट्स होंगे। जो काउंसिल होगी वो अप्रूव करेगी, रिव्यू करेगी सिविल सर्विसेज के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को। एक कैबिनेट सेक्रेटरी की भी कोऑर्डिनेशन यूनिट होगी, जिसके अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, अलग अलग सेक्रेटरीज होंगे और कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी यही होगी।
हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाएंगे जिसके अंदर एक्सपर्ट्स होंगे अलग अलग फील्ड के और ग्लोबल प्रोफेशनल्स भी होंगे जो कि मॉनिटर करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को। वी विल मेक अ स्पेशल पर्पस व्हीकल विच विल गवर्न आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, देखेगा कि यह प्लेटफॉर्म सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इसको सेटअप किया जाएगा सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है, जिसकी इसकी मदद से मिशन कर्मयोगी का मेन मकसद है हमारे देश में ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाना और एक सिटीजन सेंट्रिक प्रोग्राम लॉन्च करना जिससे समाज का भला हो सके। एवरीवन क्लियर विद दिस टॉपिक? सबको क्लियर हुआ ये वाला टॉपिक गाइस? जल्दी बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मिशन कर्मयोगी, चलो डेड कोरल्स, रिसेंट स्टडी हुई ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिसमें ये एक बहुत बढ़िया लाइन बोली गई जिसका डायरेक्टली इस्तेमाल प्रीलिम्स के अंदर किया जा सकता है। लिविंग कोरल्स जितनी लाइफ सपोर्ट करती हैं उससे ज्यादा लाइफ सपोर्ट डेड कोरल्स करती हैं। ये अपने आप में लाइन प्रीलिम्स स्टेटमेंट है। ये लाइन अपने आप में प्रीलिम्स रिलेवेंट लाइन है, इट इज इन इटसेल्फ अ प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट। ओके, सो डेड कोरल रीफ सपोर्ट क्रिप्टिक ऑर्गेनिज्म लाइक हिडन सी क्रिएचर्स इंक्लूडिंग फिशेस स्नेल्स टाइनी क्रैब्स वॉर्म्स, जो कि अपने आप को हाइड करते हैं अपने प्रेडेशन से बचने के लिए, ठीक है। सो डेड कोरल्स आर मोर लाइक They are more life providers than the living corals. What are coral reefs? जल्दी से revise कर लेते हैं। Coral reefs are underwater structure जिसके अंदर composed होते हैं skeleton of colonial marine invertebrates, जिनको आप लोग corals के नाम से जानते हो, और corals की एक symbiotic relationship होती है एक algae के साथ जिसको हम लोग बोलते हैं zooxanthellae, जिसको हम लोग बोलते हैं zooxanthellae, ठीक है। दीज एल्गी लिव इनसाइड कोरल पॉलिप्स बॉडी एंड दे प्रोवाइड द कोरल विद फूड, जो कोरल पॉलिप्स हैं वो उसके बदले उनको घर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं एल्गी के लिए। दीज एल्गी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वैरायटी ऑफ कोरल्स इन कोरल्स, तो आपको जो कोरल्स में जो बढ़िया सुंदर सुंदर रंग नजर आते हैं ना वो इस एल्गी की बदौलत है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस एल्गी, ठीक है, नहीं तो कोरल्स वाइट हो जाते हैं, और उसी चीज को क्या बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग, जब कोरल वाइट हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। तो देखो बहुत सिंपल है, कोरल रीफ्स, कोरल्स बेसिकली कोरल पॉलिप्स और एक एल्गे जू एक्सेंथले के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक मतलब कि दोनों एक दूसरे को रिवर्सली फायदा पहुंचा रहे हैं। एल्गेस कोरल पॉलिप्स की बॉडी के ऊपर रहते हैं क्योंकि वो एल्गे हैं, तो दे डू फोटोसिंथेसिस, वो फूड प्रोवाइड करते हैं, और उसके बदले कोरल पॉलिप्स हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर zooxanthellae रह पाता है, उसको घर प्रोवाइड करता है। और देखो वैसे तो कोरल पॉलिप्स आर लाइक वाइट, बट जब ये आप एल्गे देखोगे अलग अलग कलर के होते हैं, ब्लू ग्रीन की ब्लू और ग्रीन कलर का होता है, रेड एल्गे होते हैं, तो वो जैसे जैसे बन जाते हैं वैसा उसको वो कलर मिलने लगता है। कोरल रीफ्स कवर लेस देन 1% ऑफ द ओशन फ्लोर, और दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव सबसे डाइवर्स इकोसिस्टम है। इनको लंग्स ऑफ द ओशियन भी कहा जाता है। कोरल रीफ्स आर ऑल्सो नोन एज द लंग्स ऑफ द ओशियन, ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। कोरल्स की डेथ कब हो जाती है, जब उन्हें ऑप्टिमम ग्रोथ क्लाइमेट नहीं मिल पाता, टेम्परेचर गड़बड़ हो जाता है या कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है वाटर का, दे गेट ब्लीच, क्योंकि कोरल रीफ की उसको डेथ बोलते हैं बेसिकली, बट डेथ नहीं होती, बस एल्गे वहाँ से निकल जाता है। ब्लू ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं हमारी कोरल रीफ्स के ऊपर। कोरल रीफ्स को आर्टिफिशियली रिकंस्ट्रक्ट भी किया जाता है,
एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसको आप लोग बायो रॉक या मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हो। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ अटेम्प्ट कर रही है कोरल रीफ्स को रिस्टोर करने के लिए, और उस टेक्नोलॉजी को बायो रॉक या मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, रिसेंटली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो नॉर्म्स हैं उनको रिवाइज किया गया। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अब कमर्शियल बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव्स के ऊपर भी अप्लाई होते हैं, कमर्शियल बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव्स। ठीक है, रिवाइज गाइडलाइंस क्या हैं? कुछ नई कैटेगरी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर है। बैंक फिनेंस जो स्टार्टअप को दिया जा रहा है 50 करोड़ रुपए तक का, वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आ गया। फार्मर्स को लोन दिया जा रहा है जिससे फार्मर्स सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कर सकें फॉर सोलर ग्रिड्स, वो भी आ गया है। और कोई भी लोन अगर दिया जा रहा है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के लिए, किसी भी तरीके का लोन कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के लिए दिया जा रहा है। ये तीनों नई कैटेगरी इंक्लूड की गई हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर। ठीक है, क्रेडिट लिमिट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और आयुष्मान भारत जैसे प्रोजेक्ट के लिए भी 2 गुना कर दी गई है। ये एक और चीज़ है। वट इज प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये आपके लिए एग्जाम रिलिवेंट है। आरबीआई मैंडेट करता है कि कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पोर्शन आपको खर्च करना ही पड़ेगा स्पेसिफिक सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट, क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी। और इन्हीं के साथ अब 3 और नए ऐड हो गए हैं। जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं या फॉरेन बैंक्स, उनको अपना 40% पैसा अलग से रखना पड़ता है। दे नीड टू सेट असाइड 40% ऑफ देयर नेट बैंक क्रेडिट कि वो इन्हीं पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर लोन में देंगे पैसा। हमारे आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को 75%, 75% पैसा अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए अलग से रखना पड़ता है, याद रखना। अब फॉरेन बैंक्स के अंदर सारे आ गए हैं, पहले होता था है ना कि जिसके 20 से कम ब्रांच है, 20 से ज़्यादा ब्रांच है, पर अब रिफॉर्म्स की वजह से अब सारे बैंक्स कवर हो गए हैं जो फॉरेन हैं। ठीक है, सब कवर अप हो गए, क्लियर। द आइडिया बिहाइंड दिस इज टू एंश्योर दैट एडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रीचेस सम ऑफ दी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी। क्लियर एवरी वन? पारुल, आई विल सी इट, प्लीज मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। क्लियर, चलिए मूविंग ऑन। एक और टॉपिक है नॉर्ड स्ट्रीम 2। ये जरा आप लोग, ये पिक्चर नहीं है नॉर्ड स्ट्रीम 2 की। ओ माई गॉड, कोई बात नहीं, याद रखना नॉर्ड स्ट्रीम 2 यहां पर इट्स अ पाइपलाइन बिटवीन रशिया एंड जर्मनी। बाल्टिक सी में ये पूरी की पूरी फ्लो कर रही है, नॉर्ड स्ट्रीम 2। ये 2 पॉइंट इसके लिए एग्जाम रेलिवेंट है। डू रिमेंबर दीज 2 वर्ड्स, नॉर्ड स्ट्रीम 2। क्लियर, मेन चीज है यूरोप को सस्टेनेबल गैस सप्लाई प्रोवाइड कराई जा सके विद प्रोवाइडिंग रशिया विद मोर डायरेक्ट एक्सेस टू यूरोपियन गैस मार्केट। तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 भी ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलो, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन,
ये बहुत ही खराब खबर मिली हमें पिछले साल कि केशवानंद भारती जी हम सबके बीच में नहीं रहे, ही पास्ट अवे। केशवानंद भारती द मेन पटिशनर ऑफ केशवानंद भारती श्री पादागलवरु वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973, ठीक है। हमारे लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती जी के बारे में जानना, और केशवानंद भारती केस के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया उसके बारे में समझना, ठीक है। चलिए, तो केशवानंद भारती जी ने चैलेंज किया केरला लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन को, जिसको 1970 में पास किया गया था, जिसने बोला कि रिलीजियस प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगेंगी। जो केस था उसको आर्टिकल नंबर 26 के अंदर चैलेंज किया गया, कंसर्निंग द राइट टू मैनेज रिलीजियसली ओन्ड प्रॉपर्टी विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। The case was challenged under Article number 26, जो कि बात करता था right to manage religiously owned properties without government interference. 13 जजेस की बेंच बैठी, जो कि अभी तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी, और सवाल यह आया कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को अनलिमिटेडली, जब चाहे तब अमेंड कर दे। In other words, Parliament can amend, can abort any part of the Constitution or not. और ऐसे अगर होगा तो सारे fundamental right चले जाएंगे, सारे के सारे fundamental right खत्म हो जाएंगे। Supreme Court ने absolute power Parliament को संविधान को amend करने की अपने शंकरी प्रसाद verdict के अंदर दे दी थी। Even सज्जन सिंह केस के अंदर 1965 में भी यही वाली पावर प्रोवाइड की गई। दोनों ही केसेस के अंदर द कोर्ट रूल्ड दैट द टर्म लॉ इन आर्टिकल नंबर 13 मस्ट बी टेकन टू मीन रूल्स एंड रेगुलेशन मेड इन एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर एंड नॉट अमेंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अंडर आर्टिकल 368। दोनों ही केसेस में बोला कि जो लॉ का जिक्र आर्टिकल नंबर 13 के अंदर है उसका मतलब है रूल्स और रेगुलेशन जो भी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर से बनाए गए, इट विल नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 368 के अंदर किया जाता है। इसका मतलब पार्लियामेंट को पावर दी गई कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, चाहे वो हमारे फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारे मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो। आर्टिकल 13 अंडर क्लॉज 2 कहता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड बाय कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल बी एक्सटेंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन एंड बी वॉइड। हाउएवर गोलकनाथ केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते। The power to amend constitution would be only with constituent assembly. अब कोर्ट ने बोला कि जो भी अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर होते हैं वो भी लॉ के अंदर है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल नंबर 13। बोला कि अगर गलती से भी कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को इम्पैक्ट करता है तो उसको उस लॉ को void घोषित किया जाएगा। तो पुराने जो केस थे उनको नलीफाई किया गया। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आया, पार्लियामेंट ने अपने आप को पावर दी कि वो अमेंड कर सकता है किसी भी पार्ट को संविधान के विद द हेल्प ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। 24th ऑफ अप्रैल 1973, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 7:6 की मेजोरिटी से वर्डिक्ट आता है कि एनी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। कोई भी अमेंडमेंट किया जा सकता है संविधान के अंदर प्रोवाइडेड
वो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ना बदले। यहां पर ना ही बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया, बट हाँ बेसिक स्ट्रक्चर को एक चीज बोला गया, बेसिक स्ट्रक्चर इज द थिंग जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर ने सोच के हमारा संविधान बनाया, जो हमारी भारत के मेन फीचर्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट। बोला कि 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज एंटायरली वैलिड, ऑल्दो सेकेंड पार्ट जो 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का है वो अल्टा वायरस है। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि आर्टिकल 31C अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे देश के संविधान का, उसको कोई भी नहीं छीन सकता। तो ओरिजिन जो है ना दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का, वो असलियत में जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ, आफ्टर विच नाजी रजीम वॉज अमेंडेड टू प्रोटेक्ट सम बेसिक लॉज। हमारे देश के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर एक सबसे बड़ा बेडरॉक बना है जुडिशियल रिव्यू का, कोई भी लॉ इम्प्रिंज नहीं कर सकता बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, हमारे जो राइट्स हैं वो सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, डाइवर्सिटी, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। याद रखना बेसिक स्ट्रक्चर की कोई लिस्ट नहीं है, इट इज अ पार्ट टू बी इंटरप्रिटेटेड एज मच एज यू कैन, जितना चाहो इस पार्ट को उतना आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट टॉपिक, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। रिसेंटली डीआरडीओ ने सक्सेसफुली HHSTDV को सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया। HHSTDV से डायरेक्टली सवाल आ सकता है, याद रखना इट कैन ट्रेवल एट हाइपरसोनिक स्पीड। इट विल ट्रेवल एट विच स्पीड? इट विल ट्रेवल एट हाइपरसोनिक स्पीड, इसीलिए ये एक हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये मैक 6 की स्पीड पे वर्क करता है। गाइस, मैक नंबर का मतलब होता है, 1 मैक का मतलब होता है कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड, 1 मैक इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड। सो 1 मैक इक्वल्स टू 343 meters per second, साउंड 343 meters per second की रफ्तार से दौड़ती है। ठीक है, चलो एयर ब्रीथिंग इंजन क्या होते हैं? ये वो वाले इंजन होते हैं जो कि जब अपनी मूवमेंट अचीव करते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है ये उसको अपने अंदर लेकर कंप्रेस करके और फिर किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं, जैसे आपके टर्बोजेट, टर्बोप्रॉप, रैमजेट, पल्स जेट, स्क्रैमजेट, ये सारे तरीके के जो इंजन हैं दीज आर एयर ब्रीथिंग इंजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं और उसकी वजह से बर्न करते हैं। ठीक है, प्रेजेंटली जो सैटेलाइट्स जो कि ऑर्बिट कर रही हैं, मल्टी स्टेज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स दैट कैन बी यूज्ड ओनली वंस, दिस लॉन्च व्हीकल्स कैरी ऑक्सीडाइजर अलॉन्ग विद द फ्यूल फॉर कंबशन टू प्रोड्यूस थ्रस्ट। ठीक है, तो इसके टाइप्स होते हैं, जैसे रैमजेट है, रामजेट इज अ टाइप ऑफ एयर ब्रीथिंग जेट इंजन जो कि व्हीकल के फॉरवर्ड मोशन का सहारा लेता है। रामजेट सुपरसोनिक स्पीड में सही तरीके से वर्क करता है, बट हाइपरसोनिक स्पीड में सही तरीके से वर्क नहीं करता, इसीलिए हम लोग स्क्रैमजेट लेकर आए। स्क्रैमजेट इम्प्रूवमेंट है रैमजेट इंजन का, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड में भी अच्छे से वर्क करता है। डुअल यूज रामजेट हम लोगों ने बनाया, मतलब ऐसा रामजेट इंजन जो कि मैक 4 से मैक 8 की स्पीड के बीच में वर्क कर सकता है। ठीक है, और ये होती हैं स्पीड्स। जल्दी से नज़र मारो कौन सी स्पीड क्या रिप्रेजेंट कर रही है। सुपर फास्ट, कर लिया, देख लिया, सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, हाई हाइपरसोनिक, सबने देख लिया? बताओ मैसेज करके, देखा कि नहीं देखा?
ऐसे थोड़ी होता है, देख लिया गुड। ना यहाँ पर असम राइफल्स के बारे में थोड़ी सी बातें याद रखना, असम राइफल्स इज दी ओनली फोर्स जो कि डुअल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वर्क करती है। इट्स अ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स अंडर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसका पुराना नाम था सेशर लेवाय, ठीक है। मेजर रोल इसने निभाया पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट आर्म ऑफ द सिविल एंड लेफ्ट आर्म ऑफ द मिलिट्री, ओके। मेनली इट इज डिप्लॉयड फ्रॉम काराकोरम पास इन लद्दाख टू जालेपलाई अरुणाचल प्रदेश। बस इतना है ना दोस्तों। हम लोगों ने संस्कृत ग्राम प्रोग्राम उत्तराखंड में लॉन्च किया। वी लॉन्च्ड संस्कृत ग्राम इन उत्तराखंड, पायलट प्रोग्राम टू टीच संस्कृत टू रेजिडेंट्स ऑफ टू विलेजेस इन उत्तराखंड, जिससे लोग संस्कृत का इस्तेमाल रेगुलर मैनर में कर सके, रेगुलरली दे कैन यूज संस्कृत। बहुत सारी विलेज को सिलेक्ट किया गया अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ संस्कृत स्कूल्स, और यहाँ पर संस्कृत को वापस से कि वो लोगों के जीवन का पार्ट बन सके, इसलिए संस्कृत को रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है संस्कृत प्रोग्राम के अंदर। मेन फोकस है हमारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस। द प्रोग्राम विल स्टार्ट टीचिंग पीपल स्मॉलर सेंटेंसेस जिनको रेगुलर मैनर में इस्तेमाल किया जाता है। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको रन किया जाएगा, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे। इससे पहले भी यहाँ पर विलेजेस किमोथा चिमोली डिस्ट्रिक्ट और भंटोला और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट व डेवलप्ड एज संस्कृत विलेजेस। वहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं वो डेली कम्युनिकेशन के लिए संस्कृत का इस्तेमाल करने लगे हैं। गाइस संस्कृत इज़ द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड, याद रखना। संस्कृत इज नथिंग बट सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड आफ्टर हिंदी, ठीक है। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, मूविंग ऑन। संस्कृत कैसी भाषा है? संस्कृत एक इंडो आर्यन लैंग्वेज इन विच मोस्ट एंशियंट डॉक्यूमेंट्स वेदास आर कंपोज इन वट इज नोन एज वेदिक संस्कृत। क्लासिक संस्कृत भी है, लैंग्वेज क्लोज टू लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, जिसके बारे में हमें अष्टाध्याय में देखने को मिल जाएगा, विच वॉज कम्पोज बाय पाणिनी। संस्कृत हैज़ बीन रिटन बोथ इन देवनागरी स्क्रिप्ट और रीजनल स्क्रिप्ट में भी संस्कृत लिखी जाती है। मेजर वर्क ड्रामा और पोएट्री के आप संस्कृत के आज भी काफ़ी सारी जगह पर देख सकते हो, ठीक है। जैसे कालिदास, यहाँ पर भाषा इज असाइंड इन इट, ठीक है। शुद्रक, मिचथिका, ठीक है, शकुंतला, विक्रमोत्सव, तो जितने भी यहाँ पर रघुवामसा, जितने भी वर्क हैं ये कालिदास ने संस्कृत में लिखे, ठीक है। भैरवी एंड इज किरत जुनिया, मग हुज शिशुपालवाद इज वेरी फेमस, रामायण और महाभारत। गाइस संस्कृत इज अ क्लासिकल एज वेल एज एट्थ शेड्यूल लैंग्वेज, दोनों है। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग ईज ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। आज भी आपके न्यूज़पेपर में इन रिफॉर्म्स के बारे में मेंशन किया गया था, ठीक है। आज भी मेंशन हुआ था इन ईज वाले रिफॉर्म्स के बारे में, तो ये हम लोग कवर करेंगे। कल रात को 10 बजे आपकी एक क्लास होगी, स्पेशल क्लास होगी, जिसके बारे में आपको सारे लिंक मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप लोग जुड़ सकते। सो आज के सेशन को यही एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।